हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। खुशी देखो, उसकी खुशी देखो। होप आप सब अच्छे होंगे। इसको हाय करो, बताइए हेलो करो, सबको हाय करो, हाय करो, बाय बाय। नहीं हाय होता है, हाय ऐसे बोलो, हाय बाय, हेलो हेलो। क्या बना रहे? आज हम बना रहे हैं गाजर का हलवा। सारा हिल जाएगा। क्या चाहते हो बताओ, क्या चाहते हो, क्या करना? वो देखना कैमरे को, देखना 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 देखना। हंसियों में निकल जाता, ठीक है। मैंने ये गाजर धो लिए हैं और इसको ऐसे मोटे मोटे कर लिया है। अब मैं इसको चॉप करूंगी चॉपर में। यहाँ पिस रहा है, क्वांटिटी ज्यादा हो गई है। मम्मी पिस क्यों नहीं रहा है? स्टक हो गया है। क्वांटिटी ज्यादा हो गई है। अच्छा, इसमें हम थोड़ा ही डालेंगे। ओके, ठीक है। अभी अच्छे से पिस गया, पिस गया अच्छा से, ठीक है। ऐसे ही हम सारे कर लेंगे, जल्दी से हो जाएगा। नहीं तो कद्दूकस करना पड़ेगा, जिसमें बहुत टाइम लगता है। तो मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, आप कद्दूकस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। कद्दूकस से भी बहुत अच्छा ही बनता है, पर मैं थोड़ा जल्दी में बनाती हूँ, तो मैं इसी से बना लेती हूँ जी। और ये हमने घी गरम कर दिया है और हमने और ये सारा इसको थोड़ी देर हम 5 से 10 मिनट हम इसको ना भूनेंगे, ठीक है, घी में फ्राई करेंगे। ओके, और ये सब मैंने अभी चॉपर से कर लिया था। देखिए कितना फाइन हो गया ना, आराम से जल्दी से 5 मिनट में ही हो गया। से 10 मिनट इसको हम भून लेंगे। तो ये बहुत अच्छा बनता है, जैसे रेस्टोरेंट स्टाइल में बनता है ना, वैसे बनता है। तो फिर मम्मी अभी क्या क्या करना है? अभी इसमें देखो, ये हमने 10-15-20 मिनट इसे पकाया ना। इसमें दूध डाला था मैंने, ठीक है। तो दूध डाल के 10-15-20 मिनट मैंने पका लिए और ये इस ऐसा हो गया है। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे ये नारियल के कुछ, नारियल नहीं है ये, कोकोनट, ये है काजू बादाम, अच्छा अच्छा सॉरी, और किशमिश। यही 3 चीजें डलती हैं इसमें। अच्छा, किशमिश बहुत अच्छा लगता है, कॉमनली यही डलते हैं। हाँ, और इसमें फिर आप दूध डाला आपने, और आप चाहो तो मावा भी डाल सकते हैं लाके रेडीमेड, और या फिर मिल्क पाउडर। तो मैं अभी ना मिल्क पाउडर डाल रही हूँ थोड़ा सा, और थोड़ा सा मैं मिल्क पाउडर ना गार्निश के लिए उस समय डालूंगी, ठीक है। तो थोड़ा सा मिल्क पाउडर डाल दिया, और अब डालेंगे हम चीनी। चीनी कितना डालना है? आपका अपने मीठे के हिसाब से डाल लेंगे अंश, ओके, ठीक है। जितना आपको मीठा खाना है उतना। और अब इसे करेंगे मिक्स। अच्छा, लौंग डाल के डाल, चीनी में मैं डाल के रखती हूँ ना, लौंग डालेंगे तो फिर कीड़े नहीं लगते चीनी में, अच्छा। तो अब हम इसे अच्छे से भूनेंगे, ठीक है ना। तो इसे कब तक पकाना है? जब तक ये ड्राई नहीं हो जाता और ये अपना कलर नहीं छोड़ता। फिर मैं दिखाऊंगी आपको, ठीक है। और बाद में हम डालेंगे इसमें इलायची। अभी तो पता है क्या है, चीनी भी अपना मतलब चीनी डालना है ना, तो इसमें अभी काफी सारा पानी रिलीज होगा, बहुत सारा पानी छूटेगा, ठीक है ना। तो फिर और ज्यादा फिर इसे पकाएंगे, तो फिर हम मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगी आपको कि कैसा बनता है। तो मम्मी क्या बन गया है ये? हाँ बेटा, ये बन गया है। देखो ये सारा कलर आ गया ना इसमें, और ड्राई हो गया पूरा। और ये देखो ऐसे है ना, और मैंने इसमें डाली है इलायची। तो आपका ये हम ये ना जो मिल्क पाउडर का है, इससे जल्दी भी बना सकते हैं। अगर घर में मावा नहीं है या फिर आप नहीं ला सकते हैं, तो आप मिल्क पाउडर से बना सकते हैं, इजी हो जाता है। और टेस्ट बिल्कुल वैसे ही आता है। और नहीं तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़े से दूध में मिल्क कोड और हल्का सा ना घी डालें और उसे गैस पे ना चला लें, वो ड्राई ना मावे की तरह हो जाता है बिल्कुल। तो आप ऐसा भी करके और ऊपर गार्निशिंग के लिए डाल सकते हैं, इसमें डाल सकते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, यकीन मानिए। ठीक है, अब मैं करूँगी सर्विंग, सर्व करके दिखाती हूँ मैं आपको, है ना। Oh my God! Wow! Looking so beautiful. हाँ। ले। सर्दियों में ये खाने का मौका बहुत अच्छा है।